Now, after this, I will give you all practical applications of flexural formula. Practical applications of flexural formula. Okay. Now, what is the meaning of practical applications of flexural formula? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए. Suppose हमारे पास एक beam है. Now this beam is simply supported. The distance between the supports is L. Okay. I can say that it is supported at A and B. अभी अगर इस beam के exactly center पे load आता है which is W. Okay. And if I say C is the center of the beam. Okay. Now अगर beam ऐसा है which is loaded at the center. If the beam is like this, loaded at the center, ठीक है, तो इस beam में जो bending होगा, that would be more at the center when you compare it with the supports. यानि ये जो beam है, वो center पे ज़्यादा bend होगा as compared to the support. So I will write down maximum bending moment for the beam. Okay, that will be equal to, I am giving you all a straightforward formula. It would be WL by 4. Okay, this formula you'll have to remember. यानि अगर एक simply supported beam है, जिसके ऊपर load आ रहा है exactly at the center, तो उस beam में जो maximum bending होगा, in this case it is at point C, maximum bending moment is at point C, so that maximum bending moment is given by WL by 4, ठीक है? Let me give you the second case. यहाँ पे बीम का जो लेंथ है दैट इज कैपिटल एल. फाइन. नेक्स्ट ए बी आर द सपोर्ट्स. इफ स्मॉल डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ इट इज यू डी एल. स्मॉल डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, ठीक है. अगर इस तरह का केस है मींस सिंपली सपोर्टेड बीम है, ए और बी पे सपोर्ट्स है और उसके ऊपर यू डी एल है. यू डी एल मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. This is called as uniformly distributed load. तो यहाँ पे जो maximum bending है, again it would be at the center और उसका formula है WL square by 8. WL square by 8. Okay. It would be at the center. So that is at point C. Fine. Next, after this, if I have a cantilever beam. कैंटिलीवर बीम में हम लोगों ने देखा है दैट इट इज फिक्स एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड. तो फ्री एंड पे लोड एक्ट करता है और इस कैंटिलीवर बीम का लेंथ है एल. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग होगा कैंटिलीवर बीम में वो होता है फिक्स एंड पे. इट मींस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू इट इज नथिंग बट डब्ल्यू इंटू एल. और ये मैक्सिमम बेंडिंग आपको मिलेगा एट पॉइंट ए. So this is at point A. Okay. Next, if I consider a cantilever beam which is subjected to UDL, uniformly distributed load. Okay. और इस beam का length है L. It is W per unit length, load का value, which is UDL. ठीक है. तो यहाँ पे जो maximum bending moment होगा, that would be WL square by 2. ओके. और मैक्सिमम बेंडिंग होगा एट पॉइंट ए. फाइन. तो अभी अगर आपको ये चारों केसेस याद है, व्हाट आर द केसेस? पहला केस है कैंटी, यू कैन से सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड एट द सेंटर. तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, इट इज सपोर्टेड एट ए एंड बी और लोड आ रहा है एक ही पॉइंट पे एट सी, तो वहां पे आप मैक्सिमम बेंडिंग बता सकते हो एट पॉइंट सी by given by the formula WL by 4. ठीक है. Next, if it is simply supported beam having UDL, uniformly distributed load over its entire length, तो उधर पे आप maximum bending moment लिख सकते हो. It is WL square by 8. It will be at point C, again at the center. Next, if it is a cantilever beam, cantilever beam मतलब fix at one end, free at the other,
तो उसके ऊपर अगर फ्री एंड पे लोड आएगा एट द फ्री एंड, तो मैक्सिमम बेंडिंग हो जाएगा एट पॉइंट ए, नॉट एट द फ्री एंड. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट ए, सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी डब्ल्यू इंटू एल, दैट इज एट पॉइंट ए. नेक्स्ट, इफ आई कैन से दैट इट इज अ कैंटिलीवर बीम विथ यू डी एल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हैविंग लेंथ एल, तो उधर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, अगेन इट वुड बी एट ए. तो अगर आपको ये चारों केसेस याद है, आप फ्लेक्चरल फॉर्मूला, दीज आर कॉल्ड एज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्लेक्चरल फॉर्मूला, आपको ये फ्लेक्चरल फॉर्मूला अगर इन चारों केसेस के लिए याद है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो रिलेटेड टू बेंडिंग स्ट्रेसेस.